हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पाइपिंग सिस्टम। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है अपना सिस्टम कैपेसिटी के ऊपर, कि कैपेसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम की। कैपेसिटी होती क्या है? मीन्स कि यहाँ पे लेट से ये कोई टैंक है, अभी तक हम ये सब निकालते आए कि ए इसको 10 मिनट में फिल कर सकता है, बी इसको 20 मिनट्स में खाली कर सकता है। दोनों को अगर हम बताएं कितने टाइम इसको जो फिल या फिर खाली कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें क्या थी बच्चों? टाइम के ऊपर डिपेंड करती थी कि टाइम निकालना आपने होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये जो सिस्टम है ये कितना वाटर होल्ड कर सकता है, इसके अंदर कितना लीटर पानी आ सकता है, एक्स लीटर लेट से पानी आ सकता है, इस एक्स लीटर की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या गिवन हुआ, किसी एक पाइप की रेट्स गिवन है। लाइक एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। वी हैव गिवन टू पाइप ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल 30 and 20 मिनट रिस्पेक्टिवली, एंड ए वेस्ट पाइप सी कैन कैरी ऑफ 6 लीटर वाटर पर मिनट इफ ऑल द पाइप आर ओपन। व्हेन द सिस्टम इज फुल इट इज एम्प्टी इन 60 मिनट, 60 मिनट में खाली हो जाता है। हाउ मैनी लीटर डज द सिस्टम होल्ड, ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पे जिस भी पाइप की रेट गिवन होती है उसका आपको टाइम पता होना चाहिए। तो देखो कैपेसिटी कैसे निकलेगी, कैपेसिटी आपकी निकलेगी रेट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है जी। अब लाइक यहाँ पे सी का आपको रेट गिवन है, अगर सी की रेट जो है 6 है और उसका टाइम अगर आपको पता हो यहाँ पे, तो आप उसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, पहले जो है जिसका रेट गिवन है उसका टाइम निकालते हैं। ए की वैल्यू 30 मिनट गिवन है, बी जो है 20 मिनट है, सी हमने जो है फाइंड करना है, बट वी हैव गिवन ए प्लस बी प्लस सी टोटल इज 60, ठीक है। अब यहाँ पे जो है भाई एलसीएम हम लोग लेते हैं, एलसीएम अपना 60 आता है, ये जो है 2, ये जो है 3 और ये 1। अब डिपेंड करता है कि ये 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा कि फाइनली सिस्टम इट इज एम्प्टी, यानी सिस्टम क्या हुआ है एम्प्टी। अगर एम्प्टी हुआ है बच्चों तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। अगर ये फुल हुआ होता है यहाँ पे तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव, ठीक है जी। चलो ठीक है भाई, इसकी वैल्यू जो है 2 है, बी की वैल्यू जो है 3 एफिशिएंसीज हैं, और टोटल ओवरऑल जो है -1 है। दैट मीन्स कि ये जो है माइनस का आपका 6 होना चाहिए, तब जाके ये -1 आपका बनेगा, राइट। चलो जी, वी नो दैट नाउ कि सीज एफिशिएंसी इज -6, तो उसके डेज इक्वल टू बच्चों होंगे टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, दैट मीन्स 60 divided by 6 = 10, ठीक है जी। 10 मिनट्स जो है उसका बन जाएगा। अब देखते हैं बच्चों, हमने निकालना है कैपेसिटी, और कैपेसिटी वी नो दैट इक्वल टू होती है रेट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है जी। रेट अपने पास जो है 6 लीटर पर मिनट गिवन है, मल्टीप्लाई टाइम जो है मेरे पास 10 मिनट्स आ चुका है, तो कैपेसिटी क्या रहेगी, 60 लीटर की अपनी उसकी कैपेसिटी बन जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 गिवन। काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी है, तो आपने सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि रेट मल्टीप्लाई टाइम कैपेसिटी देता है, वो ही बातें आपको पता होनी चाहिए किसी भी पाइप। एक और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। देखिएगा गिवन है ए पाइप जो है 45 मिनट में फिल कर सकती है, बी पाइप जो है 30 मिनट में फिल कर सकती है। अब यहाँ पे ए बी सी तीन पाइप्स आपको गिवन है, तीनों का टाइम है 1.5 मिनट, दैट मीन्स कि आप कैन से इट वुड बी 90 मिनट्स, ठीक है जी। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, ये 90 एलसीएम आएगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 1 होगा। अब डिसाइड ये करना है कि जो नीचे वाला 1 है, जो 1 एफिशिएंसी आई है वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। फाइनली जो है वो एम्प्टी हुआ है तो नेगेटिव लेंगे, अगर फुल हुआ होता तो यहाँ पे पॉजिटिव लेते, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि ओवरऑल काम तीनों ने मिलके एम्पटी करने का किया। चलो जी ठीक है, ये 2 है अपने पास, ये 3 है, दैट मीन्स कि ये -6 होगा, सो दैट विल बिकम -1, ठीक है। तो टाइम मैं बोल सकता हूँ कि सी की जो एफिशिएंसी है वो -6 है, और भाई उसके जो डेज या टाइम जो होगा वो होगा 90 divided by 6 रहेगा, ठीक है जी। आप इजली सॉल्व कर सकते हो 3 से 2 पे 3 से ये 30 और 15 से 15 मिनट कट आउट कर लें,
ठीक है जी। नाउ वी नो दैट द कैपेसिटी विल बी इक्वल टू रहती है अपनी रेट मल्टीप्लाई टाइम। रेट मेरे पास गिवन है 9 लीटर, ठीक है जी, और टाइम मेरे पास गिवन है 15। तो ये जो है बच्चों मेरा पास, तो यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा दैट इज 135 लीटर। काफ़ी इजीली जो आप लोग यहाँ पे आंसर बता सकते हो। होपफुली आप लोगों को यहाँ से कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि ये जो कैपेसिटी निकालने का मेथड है ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं बच्चों। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, देर आर 10 फिलिंग पाइप्स, 10 जो हैं फिलिंग पाइप्स यहाँ पे गिवन है। ईच कैपेबल ऑफ फिलिंग ए सिस्टर्न अलोन इन 6 मिनट, ठीक है जी। मान लेते हैं टाइप हैं दो यहाँ पे, एक कैटेगरी है ए, एक कैटेगरी है बी जो खाली करने वाली है। ए जो कैटेगरी है वो उसकी जो है 10 पाइप्स मेरे पास हैं और वो टाइम एक पाइप टाइम लेती है 6। बी जो कैटेगरी है उसकी जो है 6 मेरे पास पाइप हैं और वो एक पाइप का जो टाइम है वो है 8। तो ठीक है बच्चों, कहता है ऑल द पाइप आर ओपन टुगेदर, एज ए रिजल्ट टैंक फिल्स 22 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ठीक है जी, तो पहले टाइम निकालने की ट्राई करते हैं। 24, ये 4 और ये 3 रहेगा, अब ये रहेगा नेगेटिव। तो ए, अब बच्चों यहाँ पे एक पाइप की जो कैपेसिटी है वो क्या है आपकी, 4 लीटर पानी डालने की है। 10 पाइप्स की अगर मैं कैपेसिटी यहाँ से निकालना चाहूँ, जो ओवरऑल कैपेसिटी यहाँ से बन पाएगी वो क्या बनेगी बच्चों, वो अपनी बन पाएगी यहाँ पे 4 × 10 पाइप है तो 40 लीटर पानी डल रहा होगा। 6 पाइप हैं तो वो पानी कितना निकाल रहे होंगे भाई, वो पाइप जो है निकाल रहे होंगे पानी 18 लीटर पानी जो है निकाल रही होंगी। ठीक है जी, तो ए प्लस बी की जो आउटपुट रह जाएगी वो 40 − 18 आपकी रह जाएगी, जो कि क्या बनेगा 22 लीटर। ठीक है जी, और वी नो दैट द कैपेसिटी इज इक्वल टू आपका रहता है जी रेट मल्टीप्लाई टाइम। अब रेट मेरे पास तो गिवन है भाई 22, ये रहा 22 लीटर पर मिनट का जो है यहाँ पे टाइम मेरे पास गिवन है। और यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास क्या गिवन है, नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है टाइम। टाइम जो मेरे पास गिवन है बच्चों, टोटल टाइम जो है मैंने यहाँ पे फाइंड करना है। टोटल टाइम ये तो आया क्या आपका एफिशिएंसी, दिस इज योर एफिशिएंसी। अब टाइम निकाल लेते हैं, ए प्लस बी का जो टाइम होगा 24 / 22, ये क्या रहेगा मिनट्स, इतने टाइम में वो फिल हो जाएगा। तो टाइम क्या आएगा 24 / 22, 24 से 22 कैंसिल आउट, तो कैपेसिटी आ जाएगी 24 लीटर। ठीक है, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, अगर अलग अलग नंबर ऑफ पाइप्स भी आपको गिवन है तो एफिशिएंसी भी उसी हिसाब से आप लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, होपफुली आप लोगों का डाउट जो है क्लियर हो पाए। कहता जी ए टाइप की पाइप है फिलिंग पाइप और वो है 3, फिल कर सकती है 8 मिनट में। बी टाइप की एम्पटी करने वाली पाइप है वो है 2 और वो फिल कर सकती है भाई 10 मिनट में। एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो 40 आ जाएगा, ये 5 और ये 4, ये नेगेटिव, राइट। अब देखिएगा एक पाइप 5 लीटर पानी डालती है, अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ आपके कितनी पाइप्स हैं, यहाँ पे 3 पाइप्स हैं तो आउटपुट क्या रहेगी आपकी 15 पॉजिटिव। यहाँ पे एक पाइप 4 लीटर पानी निकालती है तो 2 पाइप की जो आउटपुट रहेगी नेगेटिव आपकी 8 रहेगी। तो ए प्लस बी की टोटल जो आउटपुट बनेगी 15 − 8 बन जाएगी, जो कि क्या रहेगी 7। ठीक है जी, टाइम निकाल लेते हैं। टाइम विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। तो वो क्या रहेगा बच्चों, यहाँ से टोटल वर्क इज 40, एफिशिएंसी इज 7, दैट विल बी द मिनट्स। ठीक है, अब नाउ वी नो दैट द कैपेसिटी विल बी इक्वल टू क्या रहती है, रेट मल्टीप्लाई टाइम। अब रेट मेरे पास क्या गिवन है, रेट मेरे पास गिवन है यहाँ पे 7, दिस इज 7 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। टाइम मेरे पास गिवन है 40 / 7, इट विल कैंसिल आउट और आपके पास रह जाएगा 40 लीटर। ठीक है जी, क्वाइट इजी है, इजीली आप लोग निकाल सकते हो, चाहे नंबर ऑफ पाइप्स गिवन हो, चाहे कैसे भी क्वेश्चन गिवन हो। सिंगल है तो काफ़ी ईजी रहता है, सिंगल में एक मिसिंग होता है तो इस वजह से आप लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जी देर आर 12 फिलिंग पाइप्स, ईच कैपेबल ऑफ फिलिंग ए सिस्टर्न अलोन इन 32 मिनट्स।
8 एम्पटी करने वाली पाइप सिस्टर्न अलोन इन 40 मिनट और 28 लीटर पानी जो हडल रहा है, और कहता है ऑल पाइप आर ओपन टुगेदर एज ए रिजल्ट अ वाटर द फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ठीक है जी, तो अगेन वी कैन से ये 12 और भाई ये 32 मिनट्स, ये बी कोई खाली कर रहा है 8, ये जो है पाइप है खाली करते हैं 40 मिनट्स में। ठीक है, अब देखिए कि एलसीएम लेना है तो यहाँ से एक दोनों में कॉमन है, ये 4 रहेगा ये 5 रहेगा। ठीक है, तो 32 तो ये रहा 5, ये रहा 4 और ये नेगेटिव। अब यहाँ से कैपेसिटीज निकाल लेते हैं या उनकी एफिशिएंसीज फाइंड कर लेते हैं। एक पाइप की 5 है तो 12 12 पाइप या 12 पाइप्स की 60 रहेगी, 60 रहेगी। 8 4 के हिसाब से हैं तो 32 नेगेटिव रहेगा पाइप्स। तो ओवरऑल आउटपुट ऑफ ए प्लस बी जो रहेगी एफिशिएंसी वो 60 माइनस 32 रहने वाली। ठीक है जी, जो कि आपकी बनती है 28। ये आई एफिशिएंसी, तो टाइम अगर मैं यहाँ से फाइंड करना चाहूँ तो वो होता है टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क इज दिस मच, 8 × 4 × 5, एफिशिएंसी इज 28। तो भाई 4 से मैं 7 पे कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो 40 डिवाइड बाई 7। कैपेसिटी निकाल लेते हैं, कैपेसिटी विल बी इक्वल टू रेट, दिस इज रेट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है जी, रेट मल्टीप्लाई टाइम, रेट मेरे पास 28 है, टाइम मेरे पास 40 डिवाइड बाई 7 है, दिस इज 7। 7 से 4 पे कैंसिल आउट, इट विल कम्स आउट टू बी 160 लीटर। काफ़ी इजी है, इजीली आप लोग निकाल सकते हो, इजी स्टेप्स हैं, 1-to-1 आप लोगों ने चलना है, बेसिक आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, एक और आप आई थिंक आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे यहाँ से। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करने की बारी आती है। कहता क्या है, अ सिस्टर्न हैज ए लीक विच वुड एम्पटी इट इन 10 आवर्स। ए लेट से कोई एम्पटी करने वाली है, उसको 10 आवर्स में जो है एम्पटी कर पाती है। ए टेप इज टर्न ऑन विच एडमिट 2 लीटर पर आर इंटू द सिस्टम, इट इज़ नाउ एम्पटी इन 15 आवर्स। यानी ए तो ओपन है ही बच्चों लीक, प्लस एक बी वाली पाइप भी वो ओपन कर देता है, उससे क्या होता है वो 15 आवर्स में एम्पटी हो जाता है। ठीक है जी, याद रखना इट इज़ एम्पटी। तो भाई 30 जो है एलसीएम आएगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, और ये एम्पटी हुआ है तो ये क्या रहेगा, नहीं। तो आप इजीली आप कह पाओगे ये तो नेगेटिव ऑलरेडी है, क्योंकि ये जो है खाली करने पाइप वाली पाइप है। ये देखो माइनस का 3 है, सॉरी दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव 5 होगा, सो दैट इट विल बिकम -2, या तो ये कर लो, सॉरी इट वुड बी 1, सो दैट ये -1 बने आपका, राइट। हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू -2 चाहिए। ये कब आएगा, ये -3 है, ये प्लस का 1 होगा, तब जाके ये आपका बनेगा। ठीक है जी, चलो ये बात भी क्लियर हो जाती है कि बी की जो एफिशिएंसी है वो 1 है, तो उसका टाइम जो होगा वो रहेगा 30, दैट इज टोटल वर्क, 30 दैट इज टोटल वर्क डिवाइड बाय 1, दैट इज इक्वल टू 30 आवर्स, दिस इज आवर्स। कैपेसिटी विल बी इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम, रेट मेरे पास 2 है, टाइम मेरे पास 30 है, आंसर विल बी 60 लीटर। आप लोग इजली फाइंड कर सकते हो, तो इतनी कैलकुलेशन नहीं है, आप लोग इजली निकाल सकते हो वहाँ पे, बस आपका बेसिक वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बेसिक इंपॉर्टेंट है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इजली हर एक आंसर वहाँ पे निकाल पाओगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसके थे, कैपेसिटी निकालने पे थे। ठीक है जी, होपफुली आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कैपेसिटी क्या होती है, रेट मल्टीप्लाई टाइम जो आपकी कैपेसिटी होती है। ठीक है जी, तो टिल देन आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।